हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सामान्य विज्ञान की जो श्रृंखला थी, 1500 से लगभग 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो कि बीपीएससी टीचर, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, बिहार पुलिस, एमटीएस और आईसीएआर, आईएआरआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे, वो सभी के सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहें, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षा में आपको हेल्पफुल साबित हो, मददगार साबित हो। देखते हैं, हम लोग विज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, मतलब सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, अंतरिक्ष यात्री द्वारा, डॉक्टर द्वारा, इंजीनियर द्वारा, नौ संचालक द्वारा। तो आपको इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, नौ संचालक। जो सोनार होता है वो महासागर में अगर कोई भी वस्तु डूब जाता है, सागर में कोई वस्तु डूब जाता है, तो उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, नौ संचालक द्वारा, नाविक द्वारा प्रयोग किया जाता है आपको सोनार का। सोनार जो है ना, इसका पूरा नाम सोनार एक यंत्र है, एक जो है ना आपको डिवाइस है, जिसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन देखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है सोनार का। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, आपको नौ संचालक द्वारा, नाविक द्वारा। कोई भी वस्तु महासागर में अगर जो है डूब जाता है, तो उसकी स्थिति का, उसका पोजिशन का पता लगाने हेतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि आपको महासागर में कोई भी वस्तु डूब जाती है, तो उसका स्थिति पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में जो है ना आपको परासरंग श्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ये परासरव्य तरंग के द्वारा जो है ना हम लोग किसी भी वस्तु का आपको स्थिति का पता लगाते हैं। तो सोनार में कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है, परासरव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, ध्वनि की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, ऑडियोमीटर द्वारा मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता। आप लोग ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑडियो फोन भी है, तो ऑडियो फोन का उपयोग जो है ना ध्वनि की तीव्रता मापने में नहीं किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज सभी यंत्र के बारे में हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है। ऑडियोमीटर के जरिए जो है हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो एनीमोमीटर जो है वो आपको वायु की वेग का, पवन की वेग का जो है ना मापने का यंत्र है। पवन का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर से आपको किसका मापन किया जाता है, पवन के वेग का मापन किया जाता है। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति, उसका वेग का जो आपको मापन किया जाता है, वो कौन से यंत्र द्वारा किया जाता है, तो एनीमोमीटर। आगे है पायरोमीटर किसके मापन में किया जाता है प्रयोग, तो पायरोमीटर का उपयोग जो है ना हम लोग हाई टेम्परेचर मापने में करते हैं। हाई टेम्परेचर पता, उच्च तापमान मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोगों को बुखार के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, तो ये बहुत उच्च तापमान नहीं होता है, ये बहुत कम तापमान होता है, 102 डिग्री आपको जो है ना मैक्सिमम, 103 डिग्री आपको जो है ना फॉरेनहाइट, या सब जो टेम्परेचर होता है, ये सब के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन जब 1500 डिग्री सेल्सियस से सब का तापमान पता करना हो, 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पता करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पायरोमीटर यंत्र का उपयोग करते हैं। हमने देखा कि पायरोमीटर किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान के लिए, हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का आपको प्रयोग किया जाता है। अभी देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग वायुमंडलीय दाब जो है उसके मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो है आपके आगे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी में आएंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा। हाइग्रो ग्रो यहाँ पे ध्यान देना है, मैं आप लोगों को अभी और आगे बताऊंगा। हाइड्रोमीटर में जो है ना हम लोग घनत्व मापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं हम लोग, घनत्व। यहाँ पे ग्रो है और यहाँ पे क्या है, ड्रो है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है ना घनत्व का मापन किया जाता है, लेकिन हाइग्रोमीटर के द्वारा आपको आर्द्रता का मापन किया जाता है।
ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर। अभी एक क्वेश्चन हमारे सामने था कि पाइरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर जो है वो आपको गैसों के दाब का मापन के लिए उपयोग किया जाता है। आपको मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गैसों के दाब का पता लगाना है, तो कि आपको गैस का कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर नहीं है, इसका पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का। हमारा उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी हम लोगों ने देखा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। यहाँ पे है मैनोमीटर। तो अभी हम लोगों ने देखा मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए, जो आपको गैस होता है उसका दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। हाइड्रोमीटर आपको डेंसिटी का पता लगाने हेतु, डेंसिटी घनत्व के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का। और हाइग्रोमीटर जो है ना, आपको आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, आपको रिलेटिव जो आपको ह्यूमिडिटी होता है उसको मापने के लिए, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा पता किया जाता है? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के जरिए हम लोग पता करते हैं। दूध का घनत्व पता करने के लिए हम लोग कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। ठीक है, दूध जो है ना वो लैक्ट, अगर ऐसा वर्ड जो है ना दूध के सामने आ जाता है तो दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब हम लोग देख सकते हैं। सॉरी, दही में जो है ना लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो है, मैं एक चीज और बताऊं कि आपको दूध से दही जमने का प्रोसेस होता है वो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जिसके कारण जो है ना ये प्रोसेस हो पाता है। तो दूध से दही जमने में जो है ना आपको कौन से जीवाणु का जो है ना कौन सा जीवाणु आपको हेल्पफुल साबित होता है? तो वो होता है आपको लैक्टोबैसिलस। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा उपयोग मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है ना आर्द्रता से संबंधित है, हाइड्रोमीटर जो है ना आपको घनत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? घनत्व, डेंसिटी के लिए। ठीक है, लैक्टोमीटर से हम लोग जो है ना दूध का आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जोड़ी मिलाने वाला, तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आपके सामने एक सुंदर सा प्यारा सा सवाल है। देखिए इसमें से ये जोड़ी मिलाने वाला इसलिए आपको जो है ना ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें अगर दो तीन दो भी पता होता है तो दो दो ऑप्शंस आपको काटने में सुविधा होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो जो आपको आता है उसको मिलेगा, लक्स मीटर या कैरेटोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर के रक्त दाब, अगर ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति का जो है ना पता करना है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रक्त दाब। ठीक है, रक्त दाब का पता लगाने के लिए, बीपी का जो है ना आपको पता लगाने के लिए, ब्लड प्रेशर का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसके उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर आपको किसी भी व्यक्ति का जो है ना रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता को जो है ना हम लोग कैरेट में दिखाते हैं। सोने की जो शुद्धता होती है, ये बताते हैं ना कि ये गोल्ड कितना है, 24 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। तो ये जो कुछ भी आपको सोने की जो शुद्धता होती है उसको मापने के लिए हम लोग कैरेटोमीटर का उपयोग करते हैं। सोने की शुद्धता को मापते किसमें है? कैरेट में। किसमें मापते हैं? ठीक है, ये आपको 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, 18 कैरेट का है। तो इस तरह से सोने की जो शुद्धता होती है, नाम से भी आप जो है ना पकड़ सकते हैं, कैरेट में मापते हैं। और इसके लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपको कैरेटोमीटर। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा, ये आपके सामने है। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, हृदय की जो ध्वनि सुनने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको जो एक लटकाए रहते हैं ना, वही स्टेथोस्कोप होता है। वो जो हमारे जब हमारे हार्ट के सामने, हृदय के सामने आपको वो लगाते हैं यंत्र को और वो आपको कान में सुनते हैं। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लास्ट बचा प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। ठीक है,
जो प्रकाश की तीव्रता की इकाई ही क्या होती है, लक्स होती है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है, लक्स होती है। और प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो लक्स मीटर होता है। आप लोग देख सकते हैं स्टेथोस्कोप ए का क्या हो जाएगा, आपको स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। ए का तीन इसमें नहीं है, केवल एक ही में है। अगर ये पता रहेगा तो आप पूरा का पूरा कर सकते थे। अगर जो है दूसरी बात करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए करते हैं, बीपी मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो आपको बी का क्या होगा, चार होगा। पहला में भी पहला ऑप्शन जाता है, दूसरा जाता है और लास्ट वाला भी जाता है। इससे भी अगर कोई भी एक भी पता होता तब भी आप इस क्वेश्चन को शायद कर पाते, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाता है, सी होता है। आगे बढ़ते हैं, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र जो है वो आपको बीपी को मापने के लिए किया जाता है उपयोग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप का मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो आपको इसके लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी वस्तु का तापमान आपको 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उसका तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। जैसे थर्मामीटर से जो है ना कम तापमान को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसी तरीके से जब उच्च तापमान होता है उसे मापने के लिए पायरोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता का मापन लक्स मीटर यंत्र के जरिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता का मापन किसके जरिए किया जाता है, लक्स मीटर के जरिए किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, रडार का उपयोग किसमें किया जाता है, तो रडार का उपयोग रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देखते जाइए कितने सारे आपको एग्जाम्स में पूछा गया है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा रडार का उपयोग किस में किया जाता है, रडार का उपयोग रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति पता करने में किसका प्रयोग किया जाता है, रडार का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पे आपको भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो आपको स्केल है वो कौन सा है, रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल पे हम लोग जो है भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। आगे बात करते हैं, भूकंप मापी यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको भूकंप मापी यंत्र जो है ना, भूकंप जिस पैमाने पे मापा जाता है, भूकंप की जो तीव्रता जिस पैमाने पे मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्टर पैमाना कहते हैं। और जो भूकंप मापने का जो यंत्र है, जो डिवाइस है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, जो भूकंप मापता है, मापा जाता है जिस पैमाने पे, वो कौन सा पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना होता है। लेकिन आपके सामने भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो सिस्मोग्राफ। कोई दिक्कत है, रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है लेकिन मापने का यंत्र जो है वो क्या है, सिस्मोग्राफ है। इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी दे दूं, ठीक है। सिस्मोग्राफ आपको डिटेक्ट करता है, आपको भूकंप का जो है ना मापन करता है, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ आपके सामने एक ऑप्शन है, तो क्रेस्कोग्राफ जो है ना आपको पौधों में वृद्धि मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको अगर जो है ना किसी भी पौधे में वृद्धि मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, क्रेस्कोग्राफ है। क्रिस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का जो है ना आपको यंत्र है, जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जेसी बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार आपको जेसी बोस द्वारा किया गया था, 1900 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो 1900 ईस्वी में आपको जो है ना जेसी बोस ने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। ये आपको भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो जेसी बोस के द्वारा आपको क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया जाता है। अब उसके बाद क्या है, रेनगेज है। तो रेनगेज का जो है ना आपको वर्षा मापने का यंत्र है, रेन फॉर वर्षा, रेन मतलब क्या होता है, वर्षा। तो रेनगेज किसको मापने का यंत्र है, आपको वर्षा मापने का यंत्र। रेनगेज किसका माप, क्या मापने का यंत्र है, तो वर्षा मापने का यंत्र है। एक और है आपके सामने गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो है ना आपको पार्टिकल को डिटेक्ट करने वाला है, ठीक है। गीगर काउंटर जो है ना आपको पार्टिकल डिटेक्टर होता है, जो कि अगर कोई भी आयनित जो विकरण होता है उसको मापता है, आयोनाइज्ड जो रेडिएशंस होता है उसको मापने के लिए, आयोनाइज्ड रेडिएशंस,
आयोनाइज्ड रेडिएशन आयनित विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गीगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा भूकंप मापने का जो यंत्र है वो क्या है, सिस्मोग्राफ है। क्रिस्कोग्राफ के द्वारा हम लोग पौधों की वृद्धि मापते हैं, जिसका आविष्कार, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और उसके साथ साथ रेनगेज जो है वो आपको वर्षा मापने की आपको यंत्र है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है हाइडोमीटर। हाइडोमीटर समुद्र की गहराई का मापन करने में किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ध्यान से देखिएगा। हाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई, जो समुद्र की गहराई को मापने का यंत्र है वो कौन सा है, हाइडोमीटर। ठीक है, अब देखो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ठीक है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए, जो वायुमंडलीय आर्द्रता होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर। और अल्टीमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई। जो वायुयान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाइट पे उड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है ना कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है वो वायुयान, इसको पता करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, हाइडोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई के लिए। अच्छा, अगर यही हाइग्रोमीटर की जगह पे हाइड्रो रहता तो घनत्व मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रो रहता तो घनत्व। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। आगे की ओर देखते हैं, वर्षा मापने के लिए रेनगेज का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास फिर से जो है ना आपको सुमेलित करने वाला है, कॉलम को मैच करने वाला है, तो देखेंगे ये आपको एनीमोमीटर आपको वायु का वेग पता करने के लिए किया जाता है। वायु का वेग पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर। सबसे पहला ऑप्शन से ही पूरा का पूरा कर जाता है। ए का क्या होगा, तीन, ए का गलत दिया, ए का इसमें चार दिया हुआ है गलत, ए का इसमें भी चार दिया हुआ है गलत, ए का तीन केवल और केवल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगर केवल आपको एक उत्तर पता रहता तब भी आप कर सकते थे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बैरोग्राफ आपको वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ क्या, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर फिर से आपको आर्द्रता मापने के लिए, और सिस्मोग्राफ आपको भूकंप का जो है ना तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिस पैमाने पे मापा जाता है उसे हम लोग रिक्टर पैमाना कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए आपको जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपको पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है ना आपको झूठ बोल रहा है तो आपने देखा होगा कभी मूवीज में, तो उसको पॉलीग्राफ के जरिए उसका पता लगाया जाता है। न्यूटन के गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया आपको जड़त्व के नियम से जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है, जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम कहता क्या है कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और अगर कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो आपको गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए, वो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाए तब तक वो वस्तु अगर विराम अवस्था में होती है तो विराम में रहना चाहती है, और आपको वो वस्तु आपको गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, मैं जैसे बोल रहा हूँ ये बोर्ड इसलिए विराम अवस्था में है क्योंकि यहाँ पे जब तक कि बोर्ड पे मैं ये जो आपको डिजिटल बोर्ड है इसको मैं जब तक धक्का ना दूं तब तक ये गिरेगा नहीं। ठीक है, जब तक कि ये विराम अवस्था में इसलिए है क्योंकि ये जब तक इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स में लगाऊंगा वैसे ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये तब किस अवस्था में हो जाएगा, आपको गत्यावस्था में हो जाएगा, और यही तब तक आपको गत्यावस्था में रहेगा जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। आगे की ओर बात करते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर जो है ना खड़ा है। ठीक है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसका उत्तर सिंपल सी बात है, सेंसिटिव तराजू पे है मतलब जो है ना जो बहुत अच्छा रीडिंग करता है, जो जैसे कुछ भी थोड़ा सा भी जो है ना उसमें वेट बढ़ा तो उसको जो है ना सेंस कर लेता है। मैंने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है ना सेंसिटिव तराजू पे खड़ा है या बैठा है, अगर वो सांस लेता है तो उसकी जो तराजू का रीडिंग है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए
घटना चाहिए तो आप लोग बताइए। सिंपल सी बात है, जब सांस लेगा, सांस को इनहेल करेगा, अंदर की ओर जब सांस लेगा तो आपको उसमें हवा की कुछ ना कुछ मात्रा जाएगी, जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अतः तराजू की रीडिंग आपको पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों ने भी इसका आंसर यही सोचा होगा। तो आपको जब कोई भी सेंसिटिव तराजू पे व्यक्ति बैठा है या खड़ा है तो अंदर की ओर सांस ले रहा है, इनहेल कर रहा है, तो आपको जो वायु का द्रव्यमान होगा उसके कारण आपको उस तराजू की रीडिंग क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको, ये हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपको अपकेंद्रण के सिद्धांत, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप लोगों ने एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो अपकेंद्रण पे आधारित होता है, ठीक है। आपको अपकेंद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध से जो दखन, दूध से जो मक्खन निकालते हैं हम लोग, वो निकालने की जो मशीन होती है वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। दूध से जो आपको मक्खन निकालने की, जो आप लोग गांव में देखे होंगे कि पहले, अब तो बहुत कम सा हो गया है, कि जो माएं होती थी वो आपको जो है ये ऐसा पकड़ के एक जैसा इस तरह से एक घिरनी जैसा होता था और उसको चलाती थी, तो उससे जो है ना दूध से क्या निकल जाता था, आपको मक्खन निकल जाता था। तो ठीक है, आपको दूध से मक्खन निकालने की जो प्रक्रिया है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो आपको अपकेंद्रण सिद्धांत पे आधारित है। जो वॉशिंग मशीन है वो भी किस सिद्धांत पे आपको जो है ना कार्य करता है, तो वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, यहां से देखिएगा, और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, कौन सदिश नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना सदिश का पता कर लीजिए, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, और आपको बल भी क्या है, सदिश है, ठीक है। सदिश राशि, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें दोनों आपको होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है, वो आपको सदिश राशियां होती हैं। और अदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सदिश के लिए लिख लीजिए आप लोग, लिखते भी चलिए जो इंपॉर्टेंट है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विस्थापन, ठीक है, बल, उसके साथ साथ जो है ना आपको वेग, ये सब क्या है, सदिश है। आयतन क्या है, अदिश है। आयतन क्या है, अदिश है। हमारे पास प्रश्न क्या था, हमारे पास प्रश्न ये था कि आपको कौन सदिश नहीं है, तो आपको आयतन, आयतन जो है ना अदिश है, इसलिए आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, आयतन। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, मतलब एक सदिश है और बाकी के, बाकी क्या होंगे, अदिश होंगे। तो सदिश राशि अभी हम लोगों ने, जिसमें वेग और संवेग ये दोनों के दोनों क्या है, आपको सदिश राशियां हैं, हम लोगों ने सदिश में, फिर से मैं बता दूं, ध्यान से लिख लीजिएगा, सदिश राशियां कौन है, बल है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है आपको, वेग है, विस्थापन है, याद करते चलिए, ठीक है, उसके साथ साथ जो आपको संवेग है ये भी सदिश राशि है, ये सबके सब सदिश हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, तो देखेंगे, अदिश राशियां आपको दाब हो गया, कार्य हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, आयतन हो गया, ये सबकी सब जो है ना आपको अदिश राशियां है, दाब, कार्य, ऊर्जा, आयतन, इनमें सभी में जो है ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सदिश राशियां कौन कौन सी हैं, बल, वेग, विस्थापन, संवेग, ठीक है, कार्य, दाब, ऊर्जा और आयतन, ये सबके सब जो है ना आपको क्या है, अदिश राशियां है, ठीक है। जिसमें पूछ रहा था कि सदिश कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सदिश है, संवेग, बाकी के बाकी ये जो ऊर्जा है, दाब और आपको कार्य है, ये सब के सब अदिश राशियां हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि सदिश राशियां कौन सी है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको इसका उत्तर याद हो जाए। हमने बताया सदिश राशि वैसी होती है जिसमें सदिश मतलब दिशा भी होता है, मतलब जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, आपको परिमाण के साथ साथ आपको उसमें दिशा भी होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विस्थापन। सदिश राशियों में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, विस्थापन, कार्य, सॉरी कार्य नहीं, कार्य अदिश राशि है, विस्थापन, बल, वेग, संवेग, इस सब के सब सदिश राशियां हैं। अदिश राशि में क्या क्या था हम लोगों ने देखा था, फिर से मैं आप लोगों को लिख दूं, अदिश हमने देखा था कार्य देखा था, ठीक है, ऊर्जा, आयतन,
याद कर लीजिएगा प्लीज, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ कार्य, ऊर्जा, आयतन, दाब और उसके साथ साथ इस समय भी आपको अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चाल अदिश राशि है, चाल क्या है, लेकिन वेग क्या है, सदिश राशि। वेग क्या है, वेलोसिटी जो है ना आपको वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन आपको जो चाल है, स्पीड है, वो आपको स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और दूरी, ये दूरी क्या है, आपको अदिश राशि है। यही हम लोगों ने देखा अदिश राशियां। सदिश राशि में एक बार और फिर से बता दूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, तो यही अगर वेग की बात करते हैं तो वो क्या है, सदिश, लेकिन चाल क्या है आपको, अदिश, ठीक है। सदिश में हम लोगों ने वेग देखा, ठीक है, संवेग देखा, बल, और उसके साथ साथ ये सब जितनी भी उसके साथ साथ मैं विस्थापन की बात करता हूं, ये सब के सब आपको सदिश राशियां हैं, और ये ऊपर में जो है ना आपको अदिश राशियां। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है ना याद करने में आसानी हो। आगे की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ का मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो आपको सबसे पहले मोमेंटम का जो है ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपके सामने मैंने फॉर्मूला भी लेकर आया है। मोमेंटम बराबर होता है पी बराबर, मोमेंटम को पी से दिखाते थे, एम वी, पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मोमेंटम होता है मतलब संवेग, जो संवेग होता है और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो संवेग क्या होता है, एम बी होता है। संवेग क्या होता है, एम बी। अरे यही तो है संवेग। संवेग को हम लोग किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ठीक है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाई पी। तो हम लोग ने देखा कि संवेग बराबर क्या होता है आपको, एम बी होता है। और ये मोमेंटम का किससे अनुपात पूछ रहा है, पूछ रहा है आपको वेग से अनुपात। मोमेंटम, तो मोमेंटम संवेग क्या होता है, एम वी होता है, और वेग क्या होता है, वी होता है। तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा उत्तर क्या मिल जाता है, एम मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अरे संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, एम बी, एम इंटू वी, द्रव्यमान गुना वेग। और उसको हमको किससे डिवाइड करना है, वी से डिवाइड करना है, वेलोसिटी से आपको वेग से डिवाइड करना है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान प्राप्त होता है। जब हम लोग मोमेंटम को किससे डिवाइड करते हैं, वेग से डिवाइड करते हैं, संवेग को वेग से डिवाइड करते हैं, तो हमें द्रव्यमान मिलता है। बल किसका गुणनफल है, तो आप लोगों को पता है बल पर एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। इफ फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास क्या होता है, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और एक्सिलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो हम लोगों ने देखा कि मास बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण आपको ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि आपको ऊर्जा का न तो जो है ना सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका अर्थ यह होता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आपको ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। सही उत्तर डी हो जाएगा। ऊर्जा का संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब मतलब ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आपको उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को जो है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आगे की ओर देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवा में जो है ना कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपको गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको चलना शुरू करता है और उसमें जो बैठा हुआ यात्री होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण आपको स्थिरता का जड़त्व है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना आपको स्थिर है तो स्थिर रहना, कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही तो कहता है। मान लो कि कोई व्यक्ति जो है ना आपको ट्रेन में बैठा हुआ है और वो यात्री का जो आपको जिस जहां पे बैठा हुआ है उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो आपको जो है वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपको गाड़ी के संपर्क में है,
वो नीचे वाला पोर्शन किसके संपर्क में है, गाड़ी के संपर्क में है, और ये हिस्सा जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपको गाड़ी जैसे ही चलती है उसके साथ साथ चलने लगता है, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो आपको स्थिरता के जड़त्व के कारण जो है ना वो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि स्थिरता का जड़त्व यही तो कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया यही तो कहता है, न्यूटन के गति का पहला नियम यही तो कहता है कि आपको जो वस्तु जो है ना गतिशील है वो गतिशील रहना चाहता है, और जो आपको जो है ना स्थिर है वो स्थिर रहना चाहता है जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऊपर वाला पोर्शन जो था वो तो आपको जो है ना स्थिर रहना चाहेगा, लेकिन नीचे वाला जो आपको पोर्शन था वो आपको गाड़ी के कॉन्टेक्ट में था, सीट जिस सीट पे बैठे हुए थे, जिसके कारण वो आगे बढ़ने लगता है, तो आपको जो है ना नीचे वाला पोर्शन भी जो है ना आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन था वो आपको स्थिर रहना चाहता है, और स्थिर रहने के कारण आपको जो शरीर है वो आपको क्या हो जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि गाड़ी तो आगे की ओर चल रही होती है, तो जब गाड़ी आगे की ओर चल रही होती है तो उसको स्टेबिलिटी बनाने के लिए, आपको स्थिर रहने के लिए, आपको जो व्यक्ति का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। चलो आगे हमने देखा, इस तरह से हमारा पूरा प्रश्न जो है हल हो जाता है। हम लोगों ने देखा विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वैसे अभ्यर्थी जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, एमपीएस, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, उनको आप इसे सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।